मुरादाबाद केजीएमटी रोड स्थित साहू रमेश कुमार कन्या इंटर कॉलेज में पर्यावरण जागरूकता कार्यशाला आयोजित करेंगे। कार्यशाला में हिंदू कॉलेज की प्रोफेसर अनामिका त्रिपाठी ने पहुंचकर बच्चों को संदेश देने का काम किया गया। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा एक पौधा देश के नाम कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी को पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए संदेश दिए जा रहे हैं। मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और गर्मी से लोगों का जीना दुश्वार है। ऐसे में हम पर्यावरण को बढ़ावा देंगे तो मौसम में बदलाव होगा और हमें कहीं न कहीं गर्मी से भी राहत मिले। इन सभी बातों को लेकर केंद्र की और प्रदेश के सरकार यह पौधा देश के नाम कार्यक्रम के माध्यम से सभी से अपील कर रही है कि आप अपने जीवन में एक पौधा अवश्य लगाएं। यदि हम पर्यावरण को बढ़ावा देंगे तो हम गर्मी से हमें राहत जरूर मिलेगी। देखें, अनामिका त्रिपाठी ने बच्चों को कई प्रकार के संदेश भी दिए और पर्यावरण से हमें क्या फायदे होंगे और पेड़ कटने से हमें क्या नुकसान होंगे, जिसको लेकर कई जानकारी भी बच्चों को दीजिए। सीड बॉम्ब्स बन रहे हैं और न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा बेटा कि वो जो सीड बॉम्ब्स हैं वो सीड बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से कि जहाँ पहाड़ों में पेड़ नहीं बचे वहाँ एक तो एक सर्वाइव किया नहीं किया, लेकिन वहाँ सौ सीड बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं कोटनी में, तो सौ में से एक तो सर्वाइव कर ही जाएगा। नहीं, इतना मानते हो ना, प्रकृति बहुत सुंदर है, प्रकृति बहुत सहन कर लेती है, आप पेड़ को काट दो उठ जाएगा, लेकिन हमारे एक पेड़ देश के नाम, इसलिए हमने कहा क्योंकि एक ही पेड़ लगा के उसके बीज इकट्ठा कर रहे हैं, आपको उसकी भी देखभाल करनी है और जब वो वृक्ष बड़ा हो, जब भी कहीं यात्रा पर जाओगे कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अर्चना साहू ने अनामिका त्रिपाठी का आभार व्यक्त किया और सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी संख्या में आज यह कार्यक्रम यहां संपन्न हुआ है। समय समय पर हम भी बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की नियत संदेश देते हैं। आज हमारे विद्यालय में तो सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई है कि एक पेड़ देश के नाम, जो कि हमारे नेशनल स्टूडेंट पर्यावरण कंपटीशन के अंतर्गत आता है और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो हमने एक पर्यावरण संगोष्ठी कराई है अपने बच्चों के मध्य। इसमें हिंदू कॉलेज की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिसेस अनामिका त्रिपाठी जी आई हुई हैं और उनके साथ कुछ समाज सेविकाएँ हैं जो कि बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रही हैं, उनको जागरूक कर रही हैं, उनको पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि वही बात है, जल है तो कल है, अगर पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बिना कोई भी प्राणी नहीं है। हमारे विद्यालय में एक ये परमानेंट ही मुहिम है, क्योंकि हमने एक इको क्लब भी बनाया हुआ है, उस इको क्लब में भी बच्चों को हम यही जागरूक करते रहते हैं कि आपको पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना है, काम करना है। स्कूल में जितने भी पेड़ पौधे हैं इस क्लब के मेंबर रोज़ाना उसमें पानी देते हैं और उसका देखभाल करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे विद्यालय में हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हुई है और हमारे विद्यालय का एक बूंद पानी भी व्यर्थ नाली में नहीं जाता है। हमारे टॉयलेट्स का पानी भी एक बहुत बड़ा सोकपिट बना हुआ है उसमें जाता है, जिसमें छनकर नीचे जमीन के अंदर चला जाता है। ये भी करीब करीब 60 वर्ष से सोकपिट बना हुआ है। इस तरह से हमारा विद्यालय शुरू से ही पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक रहा है और अपने बच्चों को भी हम इसमें जागरूक करते रहते हैं।